हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानकारी को प्रेस में रिलीज करता होगा या पब्लिक डोमेन में बढ़ चढ़ कर रखता होगा, लेकिन मालदीव से एक ऐसा देश है जो अपने पूरे के पूरे डिफेंस को चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया है। और हम ये कह सकते हैं बहुत हद तक कि जब से मोहम्मद मुजू की सरकार मालदीव्स में आई है, तब से मालदीव्स वही कर रहा है जो चाइना उसे चाहता था या जो चाइना उसे करवा रहा है। आज हम इस वीडियो में चाइना और मालदीव्स के बीच में हुए मिलिट्री पैक्ट डील के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि मालदीव्स के ऊपर कितना एक्सटर्नल कर्ज है और उस कर्ज में चाइना का कंट्रीब्यूशन या इसका पार्टिसिपेशन कितना है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये 5 मार्च का आर्टिकल है जहां पे ये लिखा हुआ है कि चाइनीज गवर्नमेंट मालदीव्स को फ्री का मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और इसको इस तरीके से दिखाया गया जैसे कि चाइना और मालदीव्स के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको और स्ट्रांग किए जाएंगे। एक चीज जो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ में आ जाता है वो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट का नहीं आता है। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्वार्थ, एक इंटरेस्ट छुपा रहता है, वो भी जब देश चाइना हो जिसका कि फेमस डेट ट्रैप पॉलिसी हो, तो खतरा और भी बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को मैप की मदद से समझाता हूँ कि चाइना क्यों मालदीव्स के पीछे इंटरेस्टेड है और किस तरीके से चाइना अपने सी ट्रेड रूट को सिक्योर करना चाहता है। ये कुछ टुकड़ों में बटा हुआ देश मालदीव्स, या कह लें कि मल्टीपल आइलैंड्स को मिला के एक देश मालदीव्स बना है। मालदीव्स के पहले बहुत हद तक श्रीलंका के ऊपर नजर था चाइना का और बहुत हद तक कंट्रोल भी था, लेकिन थैंकफुली जिस तरीके से श्रीलंका में बैंकरप्सी आता है, वहां पे गवर्नमेंट चेंज होते हैं, तो जो दोबारा जो इम्पैक्ट या जो प्रेजेंस होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाता है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के रास्ते दुनिया का लगभग 12-13% जो कार्गो शिप होते हैं वो गुजरते हैं, और उसमें भी कुछ रफली 50% या उससे भी अधिक चाइनीज कार्गो गुजरते हैं। तो जब कोई भी चाइनीज कार्गो अगर अरेबियन सी को टच करता है तो यहाँ पे इंडियन नेवी का प्रेजेंस काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए चाइना काफी इंटरेस्टेड है कि वो दिजिबुती हो गया या मालदीव्स हो गया या श्रीलंका हो गया या यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है, इन सब रीजन को वो सिक्योर करना चाहता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज कार्गो शिप को रोक सकती है और चाइना की इकोनॉमी को डिसरप्ट कर सकती है। उसके अलावा भी चाइना ईरान से कहले या यूएई से कहले, जब यहाँ से जब वो सामान मंगाता है तो वो पर्शियन गल्फ और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता इस्तेमाल करता है। तो अगर चाहे वो रेड सी के तरफ से आए, चाहे वो पर्शियन गल्फ के तरफ से आए, कहीं ना कहीं जो चाइनीज कार्गो शिप है उसको अरेबियन सी में उतरना ही पड़ेगा। तो चाइना बहुत हद तक ये कोशिश कर रहा है कि वो इन सारे एरिया को वो सिक्योर कर सके, या एटलीस्ट जो हमारा इंडियन नेवी है या जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो पकड़ है, उसको वो कमजोर करना चाहता है खुद के बेनिफिट के लिए। अब इसके लिए क्या है कि मालदीव्स में कहीं ना कहीं चाइना को उसके फेवर का प्रेसिडेंट चाहिए होता है, जो कि आ जाता है मोहम्मद मुजू के नाम पे। जब से मोहम्मद मुजू प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स का, तब से भारत और मालदीव्स के बीच में रिलेशंस काफी खराब हुए हैं। मालदीव्स में लगभग कुछ 90 के आसपास भारतीय ट्रूप्स वहां पे रहते हैं, जो कि प्राइमरीली उनका रहने का वहां रीजन है कि क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, इसलिए वहां पे नेचुरल कैलेमिटीज आते रहता है। तो वहां पे जो ट्रूप्स है वो मालदीव्स के जो लोग हैं उनके ही बेनिफिट के लिए वहां पे हैं, लेकिन जो इंडियन ट्रूप्स वहां पे मालदीव्स में है, मोहम्मद मुजू उनका भी प्रेजेंस वहां पे नहीं चाहता है। उसके पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। तो जितने भी इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स में है उन सभी को मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप मालदीव से चले जाएं, और जो डेडलाइन दिया गया है वो May 10 का है। ये आप देख सकते हैं कि बड़े खुश होके मालदीव्स की जो सरकार है या उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, जो अलग अलग पोजीशंस में बैठे हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि ये एक बराबर का डील है, लेकिन वो दिन या वो साल बहुत दूर नहीं है जब मालदीव्स का भी एग्जैक्टली वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ था अभी कुछ साल पहले ही। वही गुडविल जेस्चर दिखाने के लिए चाइना ने 12 एम्बुलेंस मालदीव्स को एज एन गिफ्ट दिया है। क्योंकि चाइना सिक्योर करना चाहता है अरेबियन सी या रेड सी
या गल्फ ऑफ एडन के आसपास के रीजन को, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि वो उसके आसपास के जो रीजन है उसको समझे, उसको पढ़े। तो कहने के लिए चाइना सिर्फ मीडिया में ये कह रहा है कि वो रिसर्च शिप को मालदीव्स में ला के डॉक करेगा, लेकिन बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं या जो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि वो सब जो रिसर्च वेसल्स हैं उनका डुअल यूज है। एक तो उसका यूज मिलिट्री पर्पज के लिए है और दूसरा सिविलियन के लिए है। सिविलियन का पर्पज या उनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा, और लेकिन मिलिट्री पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा, उसमें स्पाइंग हो गया या मॉनिटरिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। और ये इसी साल 19 फरवरी 2024 का आर्टिकल है। इसके हिसाब से मालदीव्स बैंकरप्ट तो नहीं है, लेकिन जितना लोन कर्ज मालदीव्स के ऊपर है इन अ वे वो बैंकरप्सी के ही रास्ते पे चल पड़ा है। एक छोटा सा देश के ऊपर 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के ऊपर उनका कर्ज है, जो कि लगभग उनके देश का जो GDP है उसके बराबर पहुंच चुका है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लगभग 30% या इससे भी ज्यादा जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज डेट है। मालदीव्स के पास कोई भी एग्रीकल्चरल जमीन नहीं है। देश 90% से भी ज्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर। उसको जो सबसे ज्यादा डेट या कर्ज देता है वो चाइना है। कुछ हद तक सऊदी अरेबिया ऐसे कंट्री से उसे डेट मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब आप कर्ज लेते हैं, उठाते हैं, तो उसे रीपे भी करना होता है, और चाइना फेमस ही है अपने डेट ट्रैप पॉलिसी के लिए। तो मोर और लेस ये हमारे लिए बैड न्यूज तो है, क्योंकि मालदीव्स में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रहा है, लेकिन मालदीव्स का जो फ्यूचर है वो काफी डार्क दिख रहा है, या मोर और लेस वो वैसा ही दिख रहा जैसा कि पाकिस्तान का है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।